How to uninstall ShareIt application in your laptop and PC. आज की वीडियो में इस मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने लैपटॉप एंड पीसी में अनइंस्टॉल का, यही मैं आपको बताऊंगा 2020 में. वेल बेसिकली ये जो ShareIt एप्लीकेशन है आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. वेल बेसिकली ये जो ShareIt एप्लीकेशन है स्पेशली एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है जो विंडोज़ का लैपटॉप है तो आप इस ShareIt एप्लीकेशन को ईज़िली अपने लैपटॉप एंड पीसी में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले मैं जो ShareIt का एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करके ने का प्रोसेस बताऊँगा, उसके बाद इस ShareIt एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस बताऊंगा. लेकिन जो अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो यहाँ पे सिंपल है, लेकिन जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर थोड़ा हार्ड है. लेकिन अगर आप इसको दो तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी हैबिट हो जाएगी. तो बेसिकली जो ShareIt एप्लीकेशन है ये स्पेशली टॉपिक फॉर में बिगिनर्स के लिए कवर करो जिससे उनकी यहाँ पर हेल्प हो सके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोसेस. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए अपने लैपटॉप में आप गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें, और ये काफ़ी एकदम ट्रस्टेड है और सबसे मेन बात ये काफ़ी ज़रा सिक्योर है अपने यूज़र्स के प्राइवेसी के बेस पर. तो गूगल क्रोम के सर्च में आपको सिंपली टाइप कर लेना है गूगल पर ShareIt एप्लीकेशन डाउनलोड. जैसे आप ये सर्च करेंगे तो इसके बाद आपको ShareIt की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी. एज यू कैन सी दैट, यानी कि जो ShareIt की ऑफिशियल वेबसाइट की जो एप्लीकेशन है ShareIt.softonic.com, ये स्पेशली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिज़ाइन किया गया. तो आपको इस वाली वेबसाइट पे विजिट करना है SoftTonic, यस. और जैसे आप इस SoftTonic वाली वेबसाइट पे विजिट करेंगे आपको यहाँ पे ShareIt की एप्लीकेशन दिख जाएगी. डाउन साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, डाउनलोड फॉर विंडोज़. डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक कर लेना है. क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. और तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स तक वेट करना है. 30 सेकेंड्स में वेट करने के बाद ये जो ShareIt एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर में जाना है. डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ShareIt का जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर दिख जाएगा, एज यू कैन सी दैट. तो यहाँ पर जो डाउनलोड का प्रोसेस है उसे ज़रा मैं स्किप करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम ना हो. लेकिन अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे कहूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इसे डाउनलोड करने के लिए 1 मिनट का टाइम लग जाता है बिकॉज इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है. सो फाइनली जो ShareIt एप्लीकेशन है डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद आपको डायरेक्टली अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, अपने लैपटॉप यानी कि अपने माई कंप्यूटर में आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है. और इसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर पे विजिट करना है और यहाँ पर आपको ShareIt एप्लीकेशन दिख जाएगा डाउनलोड वाला. डायरेक्टली आपको इसे इंस्टॉल करने के लिए डायरेक्टली ShareIt के एप्लीकेशन पे 2 बार टैप करना होगा. टैप करने के बाद इस ShareIt एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इस ShareIt के एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए. सो फाइनली एज यू कैन सी जो ShareIt का एप्लीकेशन है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा. तो ये काफ़ी ईजी सा प्रोसेस है. यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 मिनट भी नहीं लगे इस ShareIt के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए. अब बारी है इस ShareIt एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस. तो यहाँ पे जो अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस है ShareIt एप्लीकेशन को लैपटॉप में वो काफ़ी ज़्यादा ईजीएस्ट है. तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है इस ShareIt के एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल यानी कि अनइंस्टॉल करने के लिए. तो इस ShareIt के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको अपने लैपटॉप के डाउन साइड में जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का फीचर सर्च करना है. उसके बाद कंट्रोल पैनल के फीचर पर आपको रिडायरेक्ट कर लेना है. आपको डाउन साइड में प्रोग्राम्स का ऑप्शन दिखेगा, डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ShareIt एप्लीकेशन दिख जाएगा, एज यू कैन सी दैट. और यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे जो करंटली आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है. तो यहाँ पर हमें ShareIt के एप्लीकेशन सर्च करना है. उसके बाद ShareIt पे आपको क्लिक करना है और माउस पे राइट क्लिक करना है, आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा.
डायरेक्टली आपको उस अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो शेयर इट का अनइंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके लैपटॉप में स्टार्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी दैट। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपका एक मिनट का टाइम लगेगा इस शेयर इट के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल होने के लिए। सो फाइनली जो शेयर इट एप्लीकेशन है वो आपके लैपटॉप से अनइंस्टॉल हो चुका है। तो इसी तरीके से इस सिंपल मेथड का यूज़ करना है और आपको लैपटॉप में अपने शेयर इट को आप यूज़ भी कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं जो मेथड मैंने आपको बताया। सो दिस विल हेल्प यू इन 2020 एंड इन फ्यूचर एज वेल। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।